टाइटल है क्या हो गया, लेकिन मैं कहूंगा कमाल हो गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा साउंड है, बहुत अच्छे गाने, बड़े मेलोडियस गाने हैं। और मैं अपनी प्रेयर्स जो है ऑलमाइटी गॉड से यही करता हूं कि जो है आज मेघना ने जो ये एल्बम आज रिलीज किया है, अब धीरे धीरे वो सीढ़ियाँ चढ़ती जाएं और हिंदुस्तान में आशा भोसले, लता मंगेशकर, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल की तरह अपना नाम रोशन करें। वो कहते हैं कि बीज बोना बहुत ज़रूरी है। ये पूरी टीम को मैं बधाई दूंगा, मनीष जी, पंडित जी, ये पूरी टीम को मैं बधाई, प्रदीप जी, सबको मैं बधाई देना चाहूँगा कि बीज बोना बहुत ज़रूरी है। अगर आज हम बीज बो देते हैं तो आप समझिए कि कल वो एक बरगद का पेड़ बनेगा और वो आपको फल, मीठे फल जरूर देगा। तो इस तरह से जो है ये हमारी दुआएं हैं आप सबके लिए कि ये क्या हो गया एल्बम सुपर हिट हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। आप मेलोडी को वापस ला रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और जो म्यूजिक डायरेक्टर्स ने जितने भी ट्रैक बनाए हैं बहुत स्वीट बनाए हैं। मुझे मतलब 20 साल पुराना म्यूजिक दोबारा से रिवाइव होता दिख रहा है। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि मेलोडी लोग सुनेंगे, और आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, इतना अच्छा आपके गले में शास्त्रीय संगीत का पुट है। इट्स ब्यूटिफुल, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। आपका एल्बम बहुत हिट होगा, और एक मैं सोचती हूँ आपसे ही शायद मेलोडी की शुरुआत होगी दोबारा से। थैंक यू। मोटे सर प्लीज। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेघना, ऑल माय बेस्ट विशेस फॉर यू। ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंड ब्यूटीफुली डन बाय दीपक एंड मनीष एंड सॉरी नवीन या प्रवीण, सो सॉरी, आई एम सॉरी। एंड आई थिंक सो इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट विद सच ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंड ऑल माय बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले आपको बधाई आपके इस एल्बम के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि ओरिजिनल से सारे बहुत ही अच्छे हैं। क्या वो क्या है, जैसे कि मैंने तो बोला कि कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था, कुछ छोटा सा सोचे थे कि बाद में होगा, लेकिन इतना जल्दी, तो उसी पे वैसे एल्बम का नाम क्या हो गया। अगर मेघना जी बात करें तो व्हाई डिड यू कीप द नेम ऑफ द, क्या हो गया, व्हाट इज द स्पेसिफिक रीजन ऑफ बिहाइंड इट? इट्स अ बिग क्वेश्चन है। काफ़ी छोटी हूँ, तो वैसे भी छोटे लोग कर सकते हैं, उन लोगों को इंस्पायर करने के लिए मैं ये कर रही हूँ।
सर आपसे मिलते हैं, क्या कहना चाहेंगे मेघनाथ एक्सपेरिमेंट के बारे में और कितना जरूरी है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को बैकअप करना एक कंपनी को या एक इंडिविजुअल को? देखिए टैलेंट को कनेक्ट प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है एंड आई थिंक सो इट्स अ ग्रेट थिंग दैट टी सीरीज इज रोटिंग अ सॉन्ग्स एंड द ब्यूटीफुल सॉन्ग और बहुत ही अच्छा कंपोज भी किया और गाया भी बहुत अच्छा है तो आई थिंक सो इट्स अ ग्रेट थिंग टी सीरीज प्रमोटिंग अ सॉन्ग इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैम आपसे मिलता हूँ, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए मैं तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे, कॉम्पिटिशन्स भी बहुत अच्छे लगे क्योंकि वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, वेरी नेचुरल इमोशन भी है, एक्सप्रेशन भी है, बहुत अच्छी वॉइस है, वेरी उम्मीद करती हूँ कि इनका और जिस तरह का टैलेंट है इनमें तो इनका फ्यूचर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का फ्यूचर इनका देख रही हैं आगे चल के? और आज के दौर में जो प्लेटफॉर्म है क्योंकि आज देखिए डिजिटल हो गया हर चीज़ तो अपना टैलेंट शोकेस करना थोड़ा आसान हो गया, लेकिन कितना चैलेंज कितना है क्योंकि काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस इंडस्ट्री में?